कोरोना वायरस जैसी महामारी से देश पूरी तरह से जंग लड़ रहा है, वहीं तीसरे चरण के लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रही है। देश में चल रही बीमारी को देखते हुए और व्यापारी लोगों पर जो संकट मंडरा रहा है, उसी के चलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को सराहनीय बताया है। विधायक चीमा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की गई है, वह इस संकट की घड़ी में देश को उभरने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री द्वारा छोटे बड़े सभी उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रयास किया है, जिसका फायदा आम जनता के साथ साथ सभी व्यापारी छोटे उद्योग हो या लघु उद्योग व्यवसाय वर्गों को 2020 में फायदा मिलेगा। देश की विकास यात्रा को काफी गति मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। हमने और आपने सबने रात टीवी के ऊपर देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक 20 लाख करोड़ का बहुत बड़ा पैकेज आज की संकट की घड़ी में देश को उभारने के लिए स्वीकृत किया है। इससे छोटा उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम उद्योग, आम छोटा गरीब आदमी, चाहे वो सड़क पर बैठकर ठेली लगाए हुए हो, छोटा मोटा धंधा करके अपने परिवार की पालना कर रहा हो, व्यापार के माध्यम से अपने परिवार की पालना कर रहा हो, उसको आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया है, जिससे देश आर्थिक रूप में उठ पाए। और एक बहुत ही अच्छा संदेश मोदी जी का ये था कि हम यहाँ बाहर से इंपोर्ट को घटाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ऐसा सामान पैदा करें, ऐसी चीज़ पैदा करें जो दुनिया में जाए, हमारा भारत नाम भी कमाए और दाम भी कमाए और इकोनॉमिकली साउंड हो, मजबूत हो। ये संदेश मोदी जी ने दिया है। इससे मैं ये समझता हूँ कि देश को उठ के खड़े होने में राहत मिलेगी, सहायता मिलेगी, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ होना है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है अभी इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिरे से ख़त्म हो गई। ये सारी दुनिया में इसका प्रकोप चल रहा है, हिंदुस्तान में भी अभी बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। इसलिए मोदी जी की लंबी सोच ही इस प्रकोप से देश को बाहर कर सकेगी।